टी सम्मेलन के दौरान बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आए थे। ये सभी भारत के विकास और गरीब कल्याण के प्रयासों के से प्रभावित होकर के गए हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की सफलता से सीखने की बात कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज विकास में देश के हर राज्य को, हर इलाके को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। और जैसा उपमुख्यमंत्री जी ने कहा, हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ और रायगढ़ का ये इलाका भी इसका गवाह है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है और देश को भी आगे बढ़ने की ऊर्जा तभी मिलेगी जब उसके पावर हाउस अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है। उस विजन का, उन नीतियों का परिणाम आज हमें यहां दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही हैं, नई नई परियोजनाओं की नींव रखी जा रही है। आपको याद होगा, अभी जुलाई के महीने में ही मैं विकास परियोजनाओं के लिए रायपुर आया था। तब मुझे विशाखापट्टनम से रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर से धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। कई अहम नेशनल हाईवे का उपहार भी आपके राज्य को मिला था। और अब आज छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस रेल नेटवर्क से बिलासपुर मुंबई रेल लाइन के झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन की व्यस्तता कम होगी। इसी तरह जो अन्य रेल लाइनें शुरू हो रही हैं, रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देंगे। जमीन रूट्स पर काम पूरा होगा तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही यहां रोजगार और आमदनी के नए नए अवसर भी पैदा हो गए। साथियों, केंद्र सरकार के आज के प्रयासों से देश के पावर हाउस के रूप में छत्तीसगढ़ की ताकत भी कई गुना बढ़ते जा रही है। कोल फील्ड से पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने में लागत भी कम होगी और समय भी कम लगेगा। कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने के लिए सरकार पिटहेड थर्मल पावर प्लांट भी बना रही है। तलाई पल्ली खदान को जोड़ने के लिए 65 किलोमीटर की मैरी गो राउंड प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में देश में ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या और बढ़ेगी और इसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा मिलेगा। मेरे परिवारजनों, हमें अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में अपने देश को विकसित बनाना है। ये काम तभी पूरा होगा जब विकास में हर एक देशवासी की बराबर भागीदारी होगी। हमें देश की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करना है और अपने पर्यावरण की भी चिंता करनी है। इसी सोच के साथ सूरतपुर जिले में बंद पड़ी कोयला खदान को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है। कोरवा क्षेत्र में भी इसी तरह के इको पार्क विकसित करने का काम किया जा रहा है। आज खदानों से निकले पानी से हजारों लोगों को
सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी प्रयासों का सीधा लाभ इस क्षेत्र के जनजातीय समाज के लोगों को होगा। साथियों, हमारा संकल्प है कि हम जंगल जमीन की हिफाजत भी करेंगे और वन संपदा से खुशहाली के नए रास्ते भी खोलेंगे। आज वन धन विकास योजना का लाभ देश के लाखों आदिवासी युवाओं को हो रहा है। इस साल दुनिया मिलेट ईयर भी मना रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आने वाले वर्षों में हमारे श्री अन्न, हमारे मिलेट्स कितना बड़ा बाजार तैयार कर सकते हैं। यानी आज एक और देश की जनजातीय परंपरा को नई पहचान मिल रही है, तो दूसरी ओर प्रगति के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। मेरे परिवारजनों, आज यहां सिकल सेल एनीमिया के जो काउंसलिंग कार्ड बांटे गए हैं, वो भी विशेषकर जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। सिकल सेल एनीमिया से सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहन ही प्रभावित होते हैं। हम सब मिलकर सही जानकारी के साथ इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें सबका साथ सबका विकास के संकल्प से आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो सारे कदम छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगले कार्यक्रम में मैं कुछ बातें विस्तार से बताऊंगा। आज इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Well, there we were just hearing from the Prime Minister who was in Chhattisgarh. He launched rail sector projects, laid the foundation stone of critical care blocks and distribution of sickle cell counseling cards as well. So massive infra push that we saw being announced by the Prime Minister. Well, we'll talk about all this and a lot more, but right now we have to slip into a very short break.